ललित झा वो शख्स है जो 13 दिसंबर को संसद के बाहर मौजूद था। नीलम और अमोल ने जब कलर स्मोक फैलाकर नारेबाजी की तब ललित ने उसका वीडियो बनाया और सारे आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस की लगातार दबिश के बाद कल रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ की। 2 डीसीपी और एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित झा ने स्पेशल सेल के आरोपियों को पूरी कहानी बताई। सूत्रों के मुताबिक कई महीने पहले से तैयारी की जा रही थी। संसद में एंट्री के लिए पास जरूरी था, इसीलिए आरोपियों ने अपने दोस्तों में सबसे पूछा था कि पास कौन अरेंज करा सकता है जिससे संसद के अंदर आराम से एंट्री मिल सके। ललित ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों के फोन को राजस्थान में तोड़कर फेंक दिया है। पुलिस से भागकर ललित सीधा राजस्थान के अपने एक दोस्त महेश के यहाँ पहुँचा था, जहाँ महेश ने उसे होटल में कमरा दिलवाया। पुलिस ने महेश और उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के समय ललित के पास कोई फोन नहीं मिला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों के फोन बरामद करने की है। और ललित जी इसी फ्लैट में रहते थे ना? अभी क्या फ्लैट? हाँ, आपका मेरा फ्लैट है। हाँ, 5,000 रुपया भाड़ा दिन में हुआ था। करेंट भाड़ा नहीं है, 5,500-6,000 पड़ जाता है। पंखा दो पंखा चलता है, सब लेके 5,500-6,000 रुपया हो जाता है। कौन कौन रहते थे? मम्मी पापा ललित और सोनू, ललित का छोटा भाई। अच्छा, 3 साल ज्यादा हो गया यहाँ पर रहता है। 3 साल से भी ज्यादा? हाँ हाँ, रहता था। मम्मी पापा ललित, ललित का भाई सोनू, बड़ो भाई आशा जवा करता है, उसका बीबी के लेके वो इंद्र गोपाल स्कूल के पास मकान भरा। बड़ो भाई भाभी रहता था वहाँ पर। जब भाड़ा लिया था वो बोला तो वो सब बड़ो बाजार में रहता है। मम्मी बिहार में था, बड़ो बाजार में मकान में थकते पापा पूजा करता है। वो बोलते वो घर हमको उठा दिया, तब मेरा मम्मी आकर यहाँ पर रहेंगे। तब तो मम्मी बिहार से आया तो यहाँ पर रहता है। मम्मी पापा दो भाई बड़ो बाजार में ट्यूशन करता है। जो मेरा वो मकान है वहाँ पर हम ट्यूशन करता है। यही मेरा बोला पापा पूजा करता है, बड़ो भाई कपड़ के दुकान में काम करता है, छोटो भाई बड़ो बाजार में वहाँ पर। हाँ, ओरा सब बड़ो बाजार में अनेक दिन से था, किंतु हमारा पास 3 साल ज्यादा होगा यहाँ पर आया। आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है ललित को, कभी कुछ लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माने मेरा बेटा चल ललित को हम ज्यादा भालोबासता है। लड़का पड़ा चला, इतना शांत है, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी को कोई नहीं। माता नीचे कर जाता है, माता नीचे कर आता है। हम पूछ कर जीता है ललित बाजार गया था? हाँ आंटी, हम बाजार गया था। ऐसे बात, बहुत अच्छा बात। हम आश्चर्य। ओ मम्मी हमको 4-5 दिसंबर में बोला, दीदी हम देश गांव जाता है, उसका गांव में जमी जमा है ना, सब भागे चास कर देता है, वो सब बिक के टाका ले आता थे। तो प्रत्येक 6 मास 1 साल पर मम्मी जाता है, पापा मम्मी छोटो भाई। ललित ट्यूशन करता है, बच्चा का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाता है, बोले वो नहीं जाता है। तो वो मम्मी बोला तुम जा, 2 मास पर आएगा तो मेरा मकान भाड़ा कौन देगा? बोला जे लोहित यहाँ पर है, लोहित देगा। लास्ट 10 दिसंबर मम्मी 2 बजे निकले, ललित शाम 6-6:30 बजे निकले। तो हम नहीं जानता है, मेरा निज में एक भाड़ा था उसको बोल गया।